शुभारंभम्। शान्तितः समृद्धिं यावत् इति तद्विषयान्विते सम्मेलने भवेयुः सम्मिलिताः अनेके गणमान्याः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां रक्तदुर्गे प्रथमस्य भारतीय कला वास्तुकला रेखण परस्य द्विवार्षिक महोत्सवस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। आत्मनिर्भर भारत आरेखण केन्द्रस्य विद्यार्थी समुन्नति महोत्सवस्य अपि उद्घाटनम् कुर्यात् असौ। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदः एकोनसप्ततितमं राष्ट्रीय अधिवेशनं समुद्घाटयेत्। इह अधिवेशने 10,000 अधिकाः प्रतिनिधयः भवेयुः सम्मिलिताः। संसदि अद्य महत्वपूर्णं विधायी कार्यं सूचीबद्धं। लोकसभायाम् अद्य प्रैष विभागपरं संशोधन विधेयकं चर्चार्थम् उपस्थापितं भवेत्। टीएमसी इति सांसद प्रकरणे आचार समितेः प्रतिवेदनमपि लोकसभायां स्यात् उपस्थापितम्। भाजपा इत्येतेन दलेन स्वकीयेभ्यः सर्वेभ्यः सांसदेभ्यः व्हिप इत्यादेशः प्रकाशितः। महत्वपूर्ण विधेयकेषु चर्चायाः समर्थनदृशा दलेन विहितः एषः उपस्थितिपरः पदक्रमः। मिजोरम राज्ये जोरम पीपल्स मूवमेंट इत्येतस्य दलस्य नेता लाल दुहोमा इत्यसौ अद्य मुख्यमंत्रीपदाय शपथवचनं गृह्णीयात्। शपथग्रहणसमारोहः तावत् प्रातः 11 आइजोल सिटी इत्यस्य राजभवने अनुष्ठीयेत। अपि च भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन अद्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः समीक्षा परा क्रियेत घोषणा। तावत् गतासु चतस्रिषु मौद्रिक नीति समीक्षासु निक्षेपमित्यां न कथमपि परिवर्तनं जातम् इति अवधातव्य तथ्यम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य देहरादून नगरे ऐषमः उत्तराखण्ड वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य शुभारम्भं कुर्यात्। दिवसद्वयीय सम्मेलनस्य विषयः अस्ति शान्तितः समृद्धिं यावत् इति। अत्र प्रथमे हि दिवसे तावत् उद्योग शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयाधृतानि सत्राणि आयोजितानि भवेयुः। एषु सत्रेषु केन्द्रीयमन्त्रिणः देशस्य जगतः च अनेके प्रमुखोद्योगिनः सम्मिलिताः भवेयुः। 14 राजदूताः अपि एषु सत्रेषु स्वानुभवजातं प्रस्तुयुः। सम्मेलनस्य द्वितीये हि दिवसे 8 आयोजितानि स्युः, यत्र पर्यटन नागरिकोड्डयन वनायुष पुष्पोत्पादनादि विषयाः चर्चापथे भवेयुः। तावद् उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ बोधितवान् यत् सम्मेलनार्थं सर्वविध सन्नद्धता जाता अस्ति इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां प्रथमस्य भारतीय कला वास्तुकला रेखणपरस्य द्विवार्षिक महोत्सवस्य उद्घाटनं कुर्यात्। असौ आत्मनिर्भर भारत आरेखण केन्द्रस्य विद्यार्थी समुन्नति महोत्सवस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। तावत् समायोजनस्य एतस्य उद्देश्यभूतम् एतदेव यत् कलाकाराणां, वास्तुविदां, छायाचित्रग्राहकाणां, कलाविशेषज्ञानां च साधारणजनैः सह सुदृढः सांस्कृतिकसंवादः सन्तिष्ठेत इति। लोकसभायाम् ऐषमः अनुदानानुपूरकाध्यर्थनापरम् अथ सत्रद्वयपूर्वार्थम् अतिरिक्तानुदानाध्यर्थनापरं च प्रकरणं चर्चाक्रमे स्याताम्। एतदतिरिच्य वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या ऐषमः विनियोगविधेयकस्य संख्यात्रयं संख्याचतुष्कं च तत्र सदने चर्चार्थम् उपस्थापयेत्। ततः सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रैष विभागपरं संशोधनविधेयकमपि लोकसभासमक्षं चर्चार्थम् उपस्थापयितुं सिद्धः स्यात्। तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य महुआ मोइत्रा इत्येतस्याः विरुद्धं प्रकरणमाश्रित्य अपि आचार समितेः प्रतिवेदनम् अद्य लोकसभायां समक्षम् उपस्थापितं भवेत्।
अपरत्र राज्यसभायां विभिन्न मंत्रालयैः सम्बद्धानां अनेक समितीनां प्रतिवेदनानि पटलोपस्थापितानि भवेयुः। अवधेयास्पदम् अस्ति एतदपि यत् सांसद नैज सदस्यीय विधेयकमपि अत्र प्रस्तुतं भवेत्। तावत् भाजपा इत्येतेन दलेन स्वकीयेभ्यः सर्वेभ्यः सांसदेभ्यः व्हिप इत्यादेशः उपस्थित्यै प्रकाशितः अस्ति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य संसदीय दलोपवेशनं गतदिने आचरितम् अभवत्। उपवेशने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दलस्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः अथ सदनद्वयस्य भाजपा सांसदाः अपि तत्र सम्मिलिताः जाताः। अत्र उपवेशने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः करतलध्वनिपुरस्सरं स्वागतं समाचरितम् अभवत्। ध्येयास्पदमस्ति यत् राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्येषु प्राप्तं प्रचण्ड जयमालक्ष्य प्रधानमन्त्री मोदी सम्मानितः अपि जातः। कांग्रेस दलस्य नेता रेवंत रेड्डी ही गतदिने तेलंगाना राज्यस्य द्वितीय मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। हैदराबादस्य लाल बहादुर शास्त्री प्रांगणे आयोजिते एकस्मिन् समारोहे रेड्डी तेलंगाना राज्यपालेन तमिलीसाई सौंदर्यराजन इत्येतेन प्रतिज्ञापितः जातः। रेड्डीम् अतिरिच्य तदीय मंत्रिमंडलस्य एकादश अन्ये अपि सदस्याः मंत्रिपदार्थं प्रतिज्ञावचनानि अंगीकृतवन्तः। एतेषु उपमुख्यमंत्रित्वेन मल्लू भट्टी विक्रमरका इत्यसौ अथ तेलंगाना राज्यस्य कांग्रेस दलस्य पूर्व प्रमुखः एन उत्तम कुमार रेड्डी शपथं स्वीकृतवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तावत् तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन गृहीत शपथं रेवंत रेड्डीं वर्धापितवान्। प्रधानमंत्री मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिक संचार पटले लिखितवान् यत् श्री रेवंत रेड्डी गारु इत्येतस्मै तेलंगाना मुख्यमंत्रित्वेन शपथग्रहणम् आलक्ष्य मदीयः शुभकामनाः। अहं राज्यस्य प्रगतिं, तदीय नागरिकाणां कल्याणं च उद्दिश्य सर्वसंभव सहायतां समाश्वासयामि इति। मिजोरम राज्ये जोरम पीपल्स मूवमेंट इत्येतस्य दलस्य नेता लाल धूमा इत्यसौ अद्य मुख्यमंत्रीपदाय शपथवचनं गृह्णीयात्। शपथग्रहण समारोह तावत् अद्य प्रातः एकादशवादने आइजोल सिटी इत्यत्रत्ये राजभवने अनुष्ठितः भवेत्। नवदिल्ली स्थिते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रे प्रधानमन्त्रिणः संविधान विषयाणाम् उद्बोधनानां संकलन पुरस्सरं लिखितस्य पुस्तकस्य नये भारत का सामवेद इत्याख्यस्य लोकार्पणं पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः कृतवान्। अत्रान्तरे केन्द्रीय विदेश संस्कृति राज्यमंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रस्य अध्यक्षः रामबहादुर रायः अथ सदस्य सचिवः सच्चिदानन्दः जोशी इत्येते अपि तत्र उपस्थिताः आसन्। अत्र पूर्वराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् नवभारतस्य विकास संविधानयोः सुदृढीकरणे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भूमिका नूनं महत्वपूर्णा अस्ति इति। इस पुस्तक के बारे में जो मेरा निष्कर्ष है वो मैं एक सामान्य कहावत द्वारा व्यक्त करना चाहूँगा। वो कहावत है कि जो व्यक्ति केवल चुनाव जीतने के लिए और सत्ता हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है उसको नेता अर्थात लीडर कहते हैं, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर जो व्यक्ति न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है बल्कि उसकी दृष्टि में देश हित और देश का विकास प्राथमिक होता है, ऐसे प्रयास करता रहता है, उसे दूरदृष्टा अर्थात स्टेट्समैन कहते हैं। ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सटीक बैठती है। केन्द्रीय विदेश संस्कृति राज्यमंत्री पदासीना मीनाक्षी लेखी इह उक्तवती यत् देशाय समानतायाः अधिकार प्रदान विषये प्रधानमन्त्रिणः महत्वसंवृता भूमिका अस्ति इति निसंशयम्। जहां पर भारत के संविधान ने अधिकार दिए वो किताब में लिखने के लिए सिद्धांत नहीं थे, केवल वो जमीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। तो भारत के संविधान की जो आत्मा है उसका परिचय और उससे प्रेरणा लेकर, उससे प्रभावित होकर
लोगों के बीच जमीन पर काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र से अध्यक्ष राम बहादुर राय अत्र उक्तवान यत् संविधान दृष्ट्या प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना ही मौलिक कार्याणि संपादितानि इति। न मालूम कितनी निंदाएं विक्षिप्त ख्याल को समाज में फैलाया गया था और ये ख्याल संविधान संबंधित है। उन सबको विचारों की नई ऊर्जा से नकारात्मकता से सकारात्मकता में जिस व्यक्ति ने बदला है उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतेन अद्य द्वैमासिक मौद्रिक नीतेः समीक्षा अपरा घोषणा क्रियेत। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य अध्यक्षस्य शक्तिकांत दासस्य षट् सदस्यात्मक मौद्रिक नीति समितेः मन्त्रणा बुधवासरे समारब्धा आसीत्। आकल्यते यत् साम्प्रतमपि निक्षेपमितिः यथावस्थमेव स्थापयिष्यते इति। एतस्य प्रमुखं कारणं प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य द्वितीये त्रैमासिके माने सकल गृहोत्पाद वृद्धिमानम अनुमानाधिकम अथ मुद्रास्फीत्यामपि अधिकम उच्चावचत्वम नास्ति इति। एतस्मिन् वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्था भद्रतर प्रदर्शनान्विता दरीदृश्यते। विभिन्नेषु आर्थिकस्तरेषु देशस्य प्रगतिः प्रशंसनीया आलक्ष्यते। तावत् भारत संयुक्त राज्य अमेरिकाभ्याम् एतस्मिन्नेव वर्षे जेट फाइटर इंजन सेमीकंडक्टर चिप्स इत्येतद् विषयद्वयम् आलक्ष्य सहमतिः प्रकटीकृता। यदीयं माहात्म्य अधिक्यं सर्वैः अङ्गीक्रियमाणमपि। एतदतिरिच्य एतस्मिन् हि वर्षे भारतीय मुद्रापरं प्रदर्शनमपि बह्वधिकं प्रशंस्यमानमेव यतः एतस्मिन् वर्षे हि डॉलर इत्यस्य मुद्राविशेषस्य अपेक्षया रूप्यकमूल्यं प्रति शतम् एकतः अपि अल्पतराम् अपचितिं सम्मुखीकृतवत् इति। भारतवंशीयः समीर शाह ब्रिटेन प्रशासनेन बीबीसी इत्येतस्य संस्थानस्य अग्रिमः नूतनः प्रमुखः चितः अस्ति। एकसप्ततिवर्षदेशीयः समीर शाह साम्प्रतं बीबीसी इत्येतस्य कार्यपरिपालकेतर निदेशकः अथवा सञ्चारवाहक कार्यपरिपालकः अस्ति। औरंगाबादे लब्धजन्म समीर शाह गतशताब्द्याः षष्टितमे वर्षे ब्रिटेन देशं गतः आसीत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् एष समीर शाह चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः वाहिनी सम्बद्धेषु कार्यजातेषु सक्रियः अस्ति इति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।